सर ये जो एक्सपीरियंस है रियली एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं रियल में अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ कि मैंने पूरे इंडिया को अपने पांव से मतलब कवर किया। सो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी की जो बात होती है वो रियल में हमने देखी है, और यूनिटी ऑफ द डाइवर्सिटी दैट इज़ रियली इज देयर। एंड जो अतिथि देवो भव का जो हमारा पुरखों से चला आ रहा नारा वो रियल में है, और हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला ऑल ओवर इंडिया से, विलेजेस से, सिटीज से, रनिंग कम्युनिटी, एवरीवेयर वी गॉट गुड सपोर्ट। एंड बहुत ही अच्छा लगा, और मैं कहूँगा कि इस जर्नी से मुझे पता चला कि मेरा देश भारत महान है। यहाँ की यूथ के लिए मैं सबसे चीज़ यही कहूँगा, प्लीज़ गो फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। एंड जो नशे की जो आदत है उसको छोड़ने के लिए आप एक ही काम कर सकते हो, रनिंग। और रनिंग के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, एक शॉर्ट एंड टी शर्ट की ज़रूरत है। गो फॉर द रन, गो फॉर द वॉक फॉर द 5 मिनट्स ओनली। सो स्टार्ट फ्रॉम द 5 मिनट्स, यू विल बी रन। आई एम वेरी श्योर यू कैन रन 42 किलोमीटर आफ्टर 1 मंथ। माई सेल्फ संजय कुमार फ्रॉम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा अलोंग विद राम रतन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। वी बोथ द डुअर रनर्स हैव स्टार्टेड दिस जर्नी of that is named as K2K, Kanyakumari to Kashmir run. We have started the journey from the Cape Comorin point, Kanyakumari, on the occasion of Youth Day on 12th Jan. And the earlier the plan was to finish cover a distance of 4431 kilometers in 56 days, covering 11 Indian states, 91 major cities and 1000 plus villages. This journey was really very supportive इन टर्म्स ऑफ एवरी थिंग आई शुड से। वी हैव सीन, हमने पूरे भारत को कनेक्ट होते हुए देखा है कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। जो कनेक्टिविटी है हमारे साथ में कुछ लोग दौड़ के हमको दौड़ करके सपोर्ट किया, उन्होंने रनिंग ग्रुप्स हैं, काफ़ी बड़े लोगों ने भी हमारे साथ रन करके काफ़ी सपोर्टिव मैसेज दिया है। और जो हमने ये दौड़ की है ये हमने अंडर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत उसको प्रमोट करने के लिए की है। फिट इंडिया मूवमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के यूथ को हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो फ़ोन के साथ ज़्यादा टाइम न बिता करके 24 घंटे में से अगर एक घंटा भी अगर अपने हेल्थ को देते हैं तो वो जो बीमारियां हैं जैसे ओबेसिटी हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। तो हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम दिन में आप एक घंटा, आप हम ये नहीं कहते आप दौड़िए, आप मॉर्निंग वॉक करके, इवनिंग वॉक करके अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अगर आप थोड़ा सा भी करेंगे तो हमारी ये जर्नी का जो मकसद है, जो यूथ को इंस्पायर करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा।